हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी मैं छत पे आया हूँ नहा धो के, और आज मैंने 2-3 दिन बाद फाइनली टी शर्ट चेंज कर ही ली है। हाँ, लोअर चेंज नहीं करा, पजामा चेंज नहीं करा भाई मैंने, अपनी टी शर्ट ही चेंज करी है। और ऊपर भाई देखिए कितनी शानदार लाइटिंग आ रही है यार, वाइड मूड पे अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मेरा मूड है यहाँ चलने का, क्योंकि भाई अभी तो दिन ही है, 3 बज रहे हैं दोपहर के इसलिए। और क्योंकि यार आज मैंने लेट व्लॉग स्टार्ट करा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और सुबह से मेहमान आए हुए थे, इसलिए उन्हें संभालने में लग गया। फिर अब नहाने का मौका मिला, नहा धो के व्लॉग शूट करने में लग गया। और भाई धूप में आने के बाद है ना, वो छींक आती है ना, मतलब डायरेक्ट वहाँ से निकला व्लॉग स्टार्ट करता करता, लेकिन छींक आई, वापस व्लॉग बंद कर दिया। खैर कोई ना, इसमें चले क्या? नहीं यार, इसमें नहीं चले, अभी नहीं चले, थोड़ा शाम होएगा ना जब चलेंगे, क्योंकि यार अभी बच्चे क्रिकेट खेलने आ जाएंगे। मेरा व्लॉग वैसे ही वो बैट की आवाज़ आती है ना फट फट, उसकी तरह, मतलब उसकी आवाज़ से ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर ही व्लॉग बना लेता हूँ, यहाँ तो बाद में चलूँगा। और भाई वहाँ पे कबूतर दिख रहा है यार, आपको तो नहीं दिखा क्योंकि गोप्रो इसके अंदर जूम तो आता है नहीं। और वाह, कितना प्यारा फूल है, सिनेमेटिक वीडियो ली जाए। चलिए गाइस, एक इनकी सिनेमेटिक वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको। यार आपको एक बात बतानी है पहले, कि यार मेरा मोबाइल है ना जो 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए मैं करूँ क्या? अब आप मेरे को कोई बढ़िया सी सेटिंग वेटिंग बताओ जो मोबाइल के अंदर मैं कर सकूँ, या फिर 4K तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा मेरा मोबाइल, इसलिए 1080p में सिनेमेटिक अच्छी आती नहीं है। और भाई 4K वीडियो जो ये क्लियर, इतनी क्लियर बनाता है पूछो मत यार, लेकिन 1080p, सिर्फ 1080p सपोर्ट करता है मेरा मोबाइल, रियलमी का 9i है ना, इसलिए। तो देखते हैं अब 4K भी सपोर्ट कर पाए या ना कर पाए, देखे थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जानकारी लूँगा उसके बारे में। और अभी मैं ऊपर से टहल रहा हूँ, हाँ मैंने आपको बोला था ना सिनेमेटिक वीडियो, तो सिनेमेटिक वीडियो पहले लेते हैं। यार सिनेमेटिक वीडियो बना ली है, मेरे को पता है मेरे हाथ की कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं बनती भाई, मेरे हाथ की तो चाय भी बढ़िया नहीं बनती, तो सिनेमेटिक वीडियो क्या चीज़ है। तो अभी तो नीचे चलते हैं, काफ़ी छत पे हो गया, वरना अभी कलवा पड़ जाऊँगा, कलवा तो पहले से हूँ ही, तो नीचे चलते हैं। हाँ तो भाई अभी तो मैं आ चुका हूँ नीचे। और भाई आज आपके भाई ने अपने घर के लिए एक नया आविष्कार किया है, ये देखिए एक्सटर्नल बोर्ड। हाँ भाई, यहाँ पे भी एक प्लग लगाया था मैंने, ये वाला यहाँ पे भी लग रहा था एक और, तो ये काम नहीं करा, लेकिन भाई ये पूरे काम कर रही है, मैंने अपने हाथों से बनाया गाइस, इन हाथों से, इस वाले से भी, ये देखिए इन्हें बनाते बनाते छाला हो गया, दिख रहा नहीं होगा ना, आप लोग बोलोगे कि मैंने नहीं बनाया, पर भाई मैंने बनाया है। इस जगह पे मैं एक टेबल लगाऊंगा, टेबल पे अपना PC रखूँगा, क्योंकि इस वाली टेबल पर तो मैं पता नहीं क्या रखूँगा, लेकिन यहाँ पर जो टेबल लगेगी उस पर मैं अपना PC सेट करूँगा, गेमिंग PC। यहाँ से वायर जाएगी डायरेक्ट टन टन, समझ गए ना, तो इसलिए बनाया मैंने, ये नीचे रख दूंगा। और भाई मेरा क्योंकि दुकान से लाने का बजट नहीं था, बजट है भाई, बजट है, गरीब मत समझना, गरीब हूँ, गरीब मत समझना, पर बजट है मेरा, पर भाई बाजार बाजार जाना ठीक नहीं लगता मेरे को। और आपने देखा होगा मैं घर से, मतलब इस मैंने एक बार भी नहीं दिखाया ब्लॉग के अंदर कि भाई अपना गाँव का मार्केट कैसा है। तो अगर इस वीडियो पे भर भर के कमेंट नहीं आए, चलो आ भी गए, कह रहते तो है नहीं, एक भी कमेंट करते तो हो नहीं आप, अगर गलती से कमेंट भी आ गए भाई मार्केट का ब्लॉग शूट करो, बहुत जल्दी एक मार्केट का ब्लॉग शूट करके लाऊंगा, अपने विलेज टूर कराऊंगा आपको। और यहाँ पे देखिए भाई चिपकली कितने प्यार से बैठी है, ओ माय गॉड, ये तो जीप भी निकाल दिया था। हाँ तो भाई मैं किस टॉपिक पे था, तो मैंने अपने हाथों से बनाया, यहाँ पे टेप वेप लगा दी ताकि ये खुले ना, और ये भाई काफ़ी लंबी सारी वायर इसकी। हाँ तो भाई मैं आपसे यूँ कह रहा था ना कि हमारे घर पे मेहमान आए, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे घर पे कौन आया। हाय करो, टाटा। तो भाई कैमरे को देख के अभी बंदा शॉक हो चुका है, तो थोड़ी देर इसे रेस्ट करने देते हैं और हम भी रेस्ट करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे। एक सेकंड पहले टाइम देख लेते ना यार,
हाँ तो भाई, 5:25 तो हम आपसे मिलेंगे 6:25 पे, ताकि हम पार्क में भी जा सकें, अपना व्लॉग भी बना सकें। चलिए 6:25 से 6:25 पे आपसे मुलाकात करते हैं। एक बार इसकी खुशी देख लीजिए कि हाय हेलो। नहीं, महंगी चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, अपने बजट से बाहर है, ठीक है ना? 6:25 पे फिक्स मेरे को इसी जगह पे मिलना है, बाय। हाँ तो गाइस यार, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि जो 6:25 होते हैं मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। और भाई साहब, अभी का जो मौसम है ना, कितना शानदार हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे तो बारिश आएगी आज। और ऊपर देखो उस जगह पर काले बादल, नीला नीला आसमान और हल्की फुल्की सी धूप। और मैंने अभी जो कैमरा डाल रखा है, एक्शन कैमरा, सुपर व्यू मोड पे। और भाई जो ये स्कूटी है ना, ये बताऊँ कि इनकी, जो ये व्लॉग देख रहे हैं ना, इनकी स्कूटी है। इसलिए आपकी स्कूटी हमारे घर पर खड़ी है, इसके लिए भी एक लाइक ठोक देना गाइस। गाइस नहीं, आप गाइस तो ठोकेंगे ही। और भाई जो यार ये पेड़, ये पेड़ पौधा जो भी है ना, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके बारे में प्लीज़ मेरे को बता देना कि ये काय का पौधा है यार, काय का पेड़ है जो भी है वो। सही है, मेरे जुकाम हो रही है, आपको पहले व्लॉग में बता दिया था। और यहाँ से मैंने एक सिनेमेटिक वीडियो ली थी, जिसपे आपने जो रिएक्शन, आपके बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ज़्यादा बुरे रिएक्शन थे, इसलिए आप, मैं कम से कम सिनेमेटिक वीडियो शूट करूँगा अपने गोप्रो कैमरे के अंदर। और वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ है, उस जगह पे दिख रहा होगा ना वो बैठा पिजन। और भाई जो, अगर कभी मैं अपने गोप्रो को अपग्रेड, मतलब जो अब मैं, जैसे कि मान लो अभी मैं थोड़े दिन तक तो, अरे बहुत बहुत दिन तक तो इससे व्लॉग बनाऊंगा, अगर ऐसे अपना चैनल चलता रहा। जिस दिन अपना चैनल थोड़ा बहुत और ग्रोथ हो जाएगा, तो अपन लेंगे DJI का Action 4। उसमें 4K की क्वालिटी आती है, और इसमें 4K, लेकिन GoPro अब 5.3K की क्वालिटी देने लग गया। GoPro 12, GoPro 10 से स्टार्ट है, GoPro 9 से स्टार्ट है शायद। तो भाई या तो मैं DJI पॉकेट 4 लूँगा, या फिर GoPro लूँगा। और भाई नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अपने जो कॉलोनी ने इसमें हो रखा है भाई, बहुत भयंकर वाला मैटर। मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यार अगर गलती से मेरा व्लॉग किसी के पास चल गया तो भाई मेरी खैर नहीं है, इसलिए मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। और मौसम एक नंबर हो रहा है, ऊपर चलेंगे, ऊपर से डायरेक्ट पार्क के अंदर छलांग लगाएंगे भाई। अभी मैं, कल है ना, कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यार कल हो गया तो बहुत भयंकर वाला अंधेरा। और ये फुटबॉल खेलने आते हैं ना, ये इनके लिए पता नहीं अब मेरे मन में क्या क्या चलता रहता है, यार ये कब निकलेंगे भाई, अंधेरे में निकलते, प्रॉपर अंधेरा हो जाता है ना जब निकलते हैं पार्क से बाहर। तो इनके लिए दो शब्द मेरे मुंह से निकल ना जाए, खैर ये लोग अपना पापा जी भी देखते हैं, सब देखते हैं अपने घर के, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ नहीं व्लॉग के अंदर। खैर जितना बोलता हूँ उतना सही है, क्योंकि यार भाई शाम हो जाती है, इनके घर वाले लड़ते नहीं है क्या ना पार्क में आने से, यार चैन से व्लॉग भी नहीं बना देते यार। चलिए अभी तो थोड़ी देर के लिए अपना व्लॉग ऐसे कंटिन्यू रखते हैं, फिर चलेंगे ऊपर, ऊपर देखते हैं, अगर पार्क खाली हो गया ना तो पार्क के अंदर वो लगाएंगे, गुलाटी मारेंगे, पता नहीं क्या क्या मारेंगे, भाग के टेस्ट करेंगे। जैसे कल वाले व्लॉग में मैंने भाग के टेस्ट किया भी था, पर अंधेरा ही बहुत ज़्यादा था यार, और मैं फेल भी हो गया उस चीज़ में फिर। इसलिए आज के व्लॉग में तो सारे टेस्ट कर देंगे इसके, सुपर व्यू। यार एक बात तो है, मतलब ये जो मेरा मोबाइल सा ही बात है यार, सिनेमेटिक वीडियो में 4K आती है, तो 4K वीडियो सपोर्ट ही नहीं करता यार, इसलिए फिर इसकी आदत मेरे को यही बुरी लगी। यार कोई बात नहीं, अब 1080p चलने देते हैं, जब तक मेरा PC नहीं आया, PC आता है भाई, मैं 4K वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। आपको 4K वीडियो देखने को मिलेगी, जो अपने यूट्यूब चैनल, मतलब जो अपने वीडियो चलाते उस पर सेटिंग पे जाओ, उस पर वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी पे, ऑटो पे क्लिक करो और मैनुअल क्वालिटी चुनो, अपने हिसाब से 1080p आएगी। अगर आपका फ़ोन आईफोन होगा, गूगल पिक्सल होगा, सैमसंग का होगा, S24 Ultra वगैरह, मतलब 20 20,000 से ऊपर जो भी फ़ोन है ना, उसमें आपको वो क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्या बोलते हैं, 1.550 ऐसे मिलेगी आपको, तो शायद अगर 4K में मिल सकती है तो जाके देख लेना भाई। मेरे को पता है नेट ज़्यादा खाता है, लेकिन आजकल तो 5G फ़ोन चल गए, लोगों का अनलिमिटेड नेट आ रहे हैं, इसलिए उनके तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। अपने तो जो रात के 2 बजे तक जगा रहना पड़ता है भाई मेरे को, 2 बजे तक वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि जो 11 बजे के आसपास तो मेरी वीडियो एडिट होके चुकती है, और जो
एक दो बजे तक अपलोड हो जाती, क्योंकि यार एक वीडियो थी मेरे 7 GB की, खींच के 7 GB की, इसलिए फिर मैं वीडियो रात के 12 बजे अपलोड करता हूँ, 12-1 बजे, क्योंकि अपने वोडाफोन में 299 वाला रिचार्ज डलवाता हूँ और अनलिमिटेड नेट आता है रात के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। उसके अंदर मैं अपना वीडियो सब निमटा देता हूँ आराम से, इसलिए इतने इतनी देर तक जगता हूँ भाई। घर वाले इतने सुनाते मेरे को, मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करे, घर वाले इतने सुनाते मेरे को कि भाई इतनी देर तक मत जगा कर। फिर कोई बात नहीं, वीडियो तो अपलोड करनी पड़ेगी ही, इसलिए तो कैमरा लिया भाई कि अपने जो वीडियो में अच्छी क्वालिटी दिख सके, अच्छी वॉइस दिख सके। ओ भाई बारिश आ गई यार, भाई बोलते बोलते बारिश आ गई, तो थोड़ा बहुत बारिश में व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि अपना ये कैमरा है जो वाटरप्रूफ है और 5 मिनट तक बोल रहा हूँ भाई मैं कंटिन्यू, इसलिए बोला नहीं जा रहा। यहाँ पे हमने चेरी बनाई थी, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो भाई इसमें चींटियाँ भी लग चुकी है ये देखिए, इसलिए अब ये खाने लायक तो है नहीं। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो एक बार कमेंट ठोक ही देना कि भाई वो आपने जो चेरी बनाई थी ना उसकी रेसिपी डाल दो, डाल देंगे। और बारिश आ चुकी है काफ़ी बढ़िया, चींटे दिखाऊँ, चींटे दिख रही होंगे ना, ये नहाए क्या बारिश में? खैर मैंने तो नहा लिया। और इसका वाटरप्रूफ टेस्ट अभी तो नहीं करा यार, नया नया मान लो कुछ हो कर गया तो इससे फिर मैं कभी अपने को अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं इसे अभी तो वाटरप्रूफ टेस्ट नहीं कर सकता। हाँ जो टेस्ट कराने हो करवा लो भाई, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एंड वाटरप्रूफ टेस्ट भूल के मत करवाना इसका। और तो और बारिश होने लगी है यहाँ पे भाई, छींटे भी जो मोटे मोटे होते हैं ना वो वाले पल रहे हैं, मतलब पड़ रहे हैं भाई। मैं सही बात बोल रहा हूँ ना, तो ब्लॉग के अंदर थोड़ा वो थकला जाता हूँ, तो भाई मैं इस चीज़ के अंदर थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा। तो भाई सिर्फ ये वाला लास्ट व्लॉग मान लो कि ये वाला लास्ट व्लॉग है अपना, जिसमें मैं हकला रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि यार कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी हिचकिच होती है, इसलिए विक्स ही गोली लूँगा और हिचकिच दूर करूँगा। लेकिन कल से जो व्लॉग डालूँगा ना मैं, हाँ कल जाएगा ये व्लॉग तो, लेकिन कल डालूँगा, कल के भी कल, जब देखना आप। चलो भाई अब हम करते हैं बारिश की सिनेमेटिक वीडियो टेस्ट, क्योंकि अब बारिश भी काफ़ी बढ़िया आ चुकी है और ऊपर क्लाउडी भी बहुत अच्छे हो रखे हैं, तो इनकी सिनेमेटिक वीडियो शूट कर दें आप। तो यार भाई लोगों, मैं अपने जो ये वीडियो है ना इसके अंदर एक चीज़ तो नोटिस करता ही हूँ कि यार मैं बोलते बोलते पता नहीं कब 10 मिनट की वीडियो निकाल देता हूँ, पता ही नहीं चलता यार। मतलब बोलने का तो आपके भाई में टैलेंट तो खूब भरा है, पर जो पब्लिक एरिया है ना उसमें बोला नहीं जाता मेरे से। लेकिन इसके अंदर भी बहुत जल्द सुधार करेंगे, शर्माना बंद, शर्म बेच खाएंगे, बेशरम हो जाएंगे व्लॉग बनाने में, पर व्लॉग बनाना छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो आपका भाई गेमर भी बनेगा, व्लॉगर भी बनेगा, सिर्फ ये दो चीज़ें बनना मेरे को दोनों का ही ड्रीम है। हाँ खैर मेरे को ब्लॉगिंग से पहले बनना था मेरे को गेमर, पर अब जो दिमाग में बैठ गई ना वो ही करना है, व्लॉगर भी बनना है गेमर भी बनना है, इसलिए तो मैं अपना गेमिंग पीसी भी लगवा रहा हूँ। और जो कैमरा लिया है वो व्लॉगिंग के लिए तो लिया है, इससे मैं वेब कैम भी करा करूँगा। वेब कैम होता है ना वो जो पीसी के ऊपर लगता है कैमरा, जैसे कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर गेमिंग वीडियो शूट करते हैं, तो इसके लिए अपन वेब कैम के अंदर भी यूज़ कर लेंगे। ट्राइपॉड अपने पास पड़ा है जो आपको मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल के लिए लिया था मैंने, क्या आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार एक और दिखा देता हूँ, क्योंकि यार पुरानी जनता नए ब्लॉग में एक्सटर्नल व्यूज भी आते हैं अपने एक दो, तो इसलिए उनके लिए पंखा चला देता हूँ भाई। और यहाँ पर अपना जो जितना भी सामान है ना मैं सारा इस बैग के अंदर रखता हूँ। यहाँ पर जैसे कि एक मोबाइल पड़ा है जो उसके लिए बैकअप के लिए, ये पड़ा बैकअप के लिए एक मोबाइल पड़ा है यहाँ पर, और जो ये गोप्रो की जितनी मैनुअल गाइड है ये सब है ना। और भाई जो इसके साथ मेरे को चीज़ें मिली है, मतलब मैं अपने मोटो व्लॉगिंग, अगर बाय चांस कभी मैं मोटो व्लॉगिंग भी करना चाहूँ, भाई बोला नहीं जाता सही बात है, मोटो व्लॉगिंग भी करना चाहूँ, तो हेलमेट यहाँ पर माउंट कर देना हेलमेट पर, तो वो भी अपने पास, इसे अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये हेलमेट पे मतलब जो इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं ना इस जगह पे ऐसे, फिर इस पे जो कैमरा सेट हो जाए, ये सब है। और ये अपने काम का ओटीजी भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए भाई, इतना काम आता है ये,
पूछो मत, क्योंकि ब्लॉग जितने भी अपने टाइप सी, मतलब जो मेरे पास जो कार्ड है ना, वो मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर से ब्लॉग लेना पड़ता है भाई, इतने लफड़े हैं, इसलिए OTG की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है मेरे को। और ये रहा अपना ट्राईपोड, जो मैंने आपको बोला था ना कि दिखाऊंगा, तो ये रहा ट्राईपोड अपना है यार। एक हाथ से चैन खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहाँ गया ट्राईपोड? हाँ तो भाई ये रहा, हाँ तो भाई लोगों, ये रहा अपना ट्राईपोड, जो अपना DSLR था ना उसके साथ लिया था मैंने ये। तो भाई इसके अलग से पैसे लगे, मैं थोड़ी दूंगा उसे यार। इस कैमरा को, जो कैमरा हाउस है ना गाइस, बहुत बड़ा स्कैमर है, रिपोर्ट मारो उसे जाके। जो ये जितने भी यूट्यूबर लोग वीडियो बनाते हैं ना उसकी, भाई मैं भी यूट्यूब पे देख के गया था वीडियो, सही बात बताऊँ तो, पर उसने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत बुरा किया है। खैर अब मैं कर भी कह सकता हूँ यार। और ये अपने पास ट्राईपोड, तो इस पे भाई जो मेरे को पता है GoPro तो लग नहीं सकता, लेकिन जुगाड़ करके इसके अंदर मैं अपना GoPro फिट कर दूंगा और अपनी वेबकैम वीडियो भी शूट कर लूँगा। और भाई बारिश काफ़ी बढ़िया आ रही है अभी, काफ़ी अच्छे से गीला कर दिया अपना फर्श, काफ़ी बढ़िया गीला कर दिया है। और आपको एक बात बताऊँ तो भाई, मैं ये वाला मॉनिटर है ना अपने PC के अंदर यूज़ लेने वाला हूँ, तो 32 इंच के TV के अंदर मैं अपना जो पूरा सेटअप है वो बनाऊँगा। गेट बंद कर देते हैं क्योंकि बारिश की बूंदें यहाँ भी आ चुकी है। हाँ तो भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं 32 इंच की TV के अंदर जो अपनी वीडियो एडिट करा करूँगा और ब्लॉगिंग एडिट करा करूँगा और गेमिंग करा करूँगा, मतलब इतनी बड़ी TV के अंदर यार, यकीन नहीं हो रहा। हाँ मेरे को पता है लोग बाग 46-42 इंच की TV के अंदर भी ब्लॉग क्या जो, अरे भाई गेट बहुत भयंकर बज रहे हैं। हाँ तो मैं कहा था ब्लॉग और गेमिंग वीडियो भी एडिट कर लेते हैं, गेमिंग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन अपने लिए तो अभी तक तो यही सही है। तो काफ़ी बढ़िया TV है, सैमसंग की है, इसके अंदर मैं फिट करा लूँगा, क्योंकि यार ये बहुत कम चलती है, मतलब लोग बाग देखते नहीं है, अब सबके पास फ़ोन है तो वो फ़ोन चलाते रहते हैं, तो इसे मैं अपने PC के अंदर काम ले लूँगा यार, रखी ख़राब भी तो होगी, इसलिए ये भी सही है। अपना PC का काम भी हो जाएगा इसके अंदर, जो अपना सेटअप है गेमिंग सेटअप वो भी कर लेंगे। और भाई मेरे को एक चीज़ की वो देना नॉलेज कि मतलब गेमिंग वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट माइक कौन सा रहेगा। हाँ पीछे से हवा आ रही है, मेरे को पता है, बहुत ठंडी ठंडी। हाँ तो मैं नू कह रहा था कि गेमिंग वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट माइक और सबसे बेस्ट हेडफोन मेरे को बता देना भाई कमेंट के अंदर, जिसे भी ज़्यादा नॉलेज हो, ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए आपसे, इसलिए बता देना, ठीक है गाइस। और आँख में धूल चल गई, पता नहीं कहाँ से अभी यहाँ से धूल आई आँख में गई है। तो आगे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, अभी तक तो भाई शुरुआत ही हो रही थी क्या, मेरे को ये बतानी है। हाँ तो मतलब आगे और ब्लॉग आगे थोड़ा बहुत कंटिन्यू और करते हैं भाई। यहाँ पे जो सोफे रखे हैं ना इन लोगों ने, हमारे घर वालों ने, अब पता नहीं किस बात के हमें सजा मिल रही है, जो यहाँ से पानी आ रहा है और इन ये सोफे भेजेंगे, इन सोफों को वहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी विंडो है तो उस जगह से भी पानी आ सकता है। चलिए भाई आगे की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, कहीं ऊपर नीचे होते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि भाई ठंडा मौसम है या गर्मी है, आप भी ब्लॉग को एंजॉय करो। चलिए चलते हैं ऊपर की साइड। हाँ तो भाई लोगों अभी मैं ऊपर आया तो, और यहाँ पे ये हो रहा है यार, बारिश बहुत भयंकर है, ठंडा पानी है और यहाँ पे ये हो रहा है भाई, मम्मी भाटिया बना रही है यार, जो बारिश के अंदर भाटिया कैसे बनेगी भाई, मेरे को पूछा था, पता नहीं, मैं निकल रहा हूँ ऐसे औरतों का काम है, अरे भाई बारिश बहुत भयंकर। तो भाई लोगों अभी कुछ ऐसा सीन हो रखा है कि मतलब धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही है, मतलब उजाला तो था, उजाला भी है अभी भी, पर बारिश भी हो रही है। हमारी मैडम कहती थी भाई, जहाँ पे पहले हम 5वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ने जाते थे, कि ऐसे बोलती थी कि भाई धूप के साथ साथ बारिश होने तब राक्षस की शादी होती है, तो यार राक्षस ऐसे करता है यार, बुलाया नहीं शादी के अंदर, मतलब कैसे लोग रहते हैं, और मतलब क्या दुश्मनी थी क्या हमसे राक्षस की, राक्षस बुलाया नहीं यार, ऐसे करते हैं लोग, मतलब कार्ड भी नहीं दिया यार, पूछ तो लेता कि भाई आना है नहीं आना, मैं मना भी कर देता कि नहीं आना, ऐसे जोर आता है मतलब राक्षस की शादी में बुलाने से। हाँ यार मतलब, पर अब का मौसम देखिए भाई साहब, क्या मौसम है यार। तो भाई लोग अभी हमें मिला है अपना छोटा सा दोस्त, बहुत बड़ा है पर छोटा नहीं है। हाय गाइस बोल दे, हाय गाइस, कैमरा बढ़िया है, अरे कैमरा बढ़िया है, कैसे बोल रहा है इस, कैमरा बढ़िया है क्या, मतलब मेरी बातों को रिपीट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। हाय कर दे चल एक बार एक और, ये इनका प्यारा सा घर, और क्या नाम है भाई, सिद्धार्थ वर्मा। तो भाई इसका नाम सिद्धार्थ वर्मा है, आप तक आवाज़ आ रही नहीं होगी,
काफ़ी अच्छा बच्चा है। इसके साथ अभी शाम तो हो चुकी है, तो रैकेट खेलते हैं इसके साथ। इसको घर पे बुलाते हैं। आ जा भाई घर पे। कितनी देर लगेगी? अरे टाइम तो बता था, कितनी देर में आएगा? तो भाई लोगों 3 मिनट में आने वाला है। कोई बात नहीं, 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर इसके साथ वो खेलेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन है ना भाई मेरे पास, एक सेकेंड। अरे यार बैडमिंटन कहाँ गए? यहाँ पे रखता था भाई मैं तो। अब कहाँ गए ढूंढना पड़ेगा। ओ माय गॉड, स्क्रिप्टर तो नहीं लग रहा ना मैं कहीं से भी। बैडमिंटन, ओ मिल गए। हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ ये देखिए, मतलब ये तार वार जोड़ रखे ना। कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ। अब गाइस 1v1 करते हैं, देखते हैं भाई कि जीतता कौन है इस चीज़ में, ठीक है ना। तो भाई लोगों सबसे पहले तो यार मैं अपनी टी शर्ट चेंज करता हूँ, क्योंकि यार ये टी शर्ट एकदम कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है यार। मतलब जो ये अपने पुराने वाली टी शर्ट है ना, इसे पहन लेता हूँ मैं। तो भाई ये टी शर्ट मेरे को मतलब कंफर्टेबल लगती नहीं इसके अलावा, तो ऐसी एक दो टी शर्ट और लानी पड़ेगी भाई। मैं ना तो मैं जींस पैंट पहनता हूँ ना ये ऐसी वैसी टी शर्ट है, क्योंकि यार ये चुभती है भैंस की टांग, चुभती बहुत भयंकर चुभती है भैंस की टांग वाला, गलत मिल लेना, ठीक है ना। हाँ तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ अपने रियल लुक में। कैसा लग रहा हूँ यार? ये चीज़ें शूट करती है मेरे ऊपर। और ये अपना भाई भी आ चुका है। हाँ तो गाइस ये पता नहीं क्या क्या बोलता है भाई, ये बहुत फेमस है इसके डायलॉग यार, पूछे मत। तो भाई लोग अब हम करने वाले 1v1 हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो भाई एक पकड़, अच्छा वाला मैं लूंगा। हाँ अरे नहीं नहीं ये वाला ही। हाँ तो भाई अपने सबसे पहले तो अपने कैमरा मैन को बुलाते हैं, इधर आ। हाँ तो गाइस यार कैमरा मैन को अपने GoPro पकड़ा दिया है, और हो जाए भाई। हाँ तो भाई लोग अभी जो ये इसे तो खेलना आता है नहीं, तो अब मैं अपने खिलाड़ी की लोकेशन चेंज करता हूँ, अब दूसरा खेलेंगे। इसे कैमरा पकड़ा देने, पकड़ आराम से बढ़े, ठीक है ना। हाँ तो भाई इतना घटिया कैमरामैन है भाई, इतना घटिया। अगर गलती से मतलब इससे मैं मोबाइल पकड़ा दूंगा ना, तो भाई ये मोबाइल इतना बुरा ही लगा, ये तो कम से कम इसके अंदर स्टेबलाइजेशन आता है वो सही है भाई मेरे लिए, वरना इतना गंदा कैमरा मैंने आज तक नहीं देखा। ओए गाइस रोना आता है ऐसे बच्चों को देख के। हाँ तो गाइस ये दोनों है ना अभी कंचे खेल रहे हैं भाई, देख लो आज हम चलाएंगे संदूटे से। देख भाई मेरे को बोलने दो, देखते हैं यार ये कैसे खेलते हैं, मेरे को भी सिखाएंगे, मैंने आज तक कंचे निकले, सही बात बताऊं तो। हाँ भाई अब आप देखिए मैं अंगूठे से खेलता हूँ स्टार्ट। अरे करो भाई अंगूठे से खेलते हैं खेल, देख लियो भाई। चला प्यार गंज और देखिए गाइस ये हमने चलाई और ये अंगूठे जाते मारी, तो मैंने भी चलाया। ओ भाई साहब वाह मजा आ गया, ये भाई प्रधानमंत्री बन गए और हम ये चलाने वाले हैं। ये आज हम चला दिए भाई, और ये भाई ये रोजने वाले हैं इतने में यहाँ जी 3 दशी हो गई, और ये मारा हमने और नहीं पड़ा। और ये भाई क्या 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 हुआ रे, ये यहाँ जी पिटते हुए भाई, ये चल पिट गई। हाँ तो भाई लोग अभी तो मैं आ चुका हूँ अंदर, अंधेरा बहुत ज्यादा है ना, सब ऊपर गए, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ, बिना काम लाइट जलाए मैंने यार, वो आधा रुपया ऐसे भी कम गया, खर्च हो गया। ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या रहो ऊपर यार, मतलब कंचों की वीडियो शूट करने का चल गया, सबके सब ऊपर पकड़। हाँ तो भाई मौसम ऐसा हो रहा है कि बता नहीं सकता यार, कि यहाँ तो भाई वो क्या बोलते हैं सिनेमेटिक वीडियो शूट करने का यार, मतलब यहाँ से मतलब मैं सोच रहा हूँ कि सिनेमेटिक बनाया जाए और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ का व्यू लिया जाए। पता नहीं मैं कितनी बार इस व्यू को ले चुका है इस व्लॉग के अंदर। यहाँ पे अपन ने टाइम लैप्स लगा दिए हैं,
और अपने पुराने वाले व्लॉगिंग सेटअप पे आ चुके हैं मोबाइल पे। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल वर्सेस गोप्रो कर दिया जाए। अभी अंगूर खा रहा हूँ मैं, देख कितना सा अंगूर है। हाँ तो मोबाइल वर्सेस गोप्रो किया जाए नहीं किया जाए एक बार बता देना आप लोग। तो ये अभी मोबाइल की 1080p की क्वालिटी, और अभी आप इससे मान लो एक मिनट पहले देख रहे तो वो थी गोप्रो की क्वालिटी। दोनों में अंतर कितना था कमेंट करके जरूर बता देना। हाँ तो गाइज़र अभी मैं आ चुका हूँ पार्क के अंदर यहाँ पे टेस्ट करने की, भाई भागने के बाद क्वालिटी कैसी आती है कैमरे की, टेस्ट करें। हाँ तो कल भी करा था मैंने ये, पर कल बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो गाइस अब टेस्ट करके देखते हैं, 1 2 3। हाँ तो भाई इतने में थक गया मैं तो, खाना खा के नहीं आया। तो क्वालिटी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वापस घर चलते हैं, टाइम भी हो चुका है। और वाह क्या व्यू है यार। ये बात तो है, हमारे इधर का ये जो पार्क है ना अपने घर के पीछे काफ़ी बढ़िया है। मैं तो बढ़िया अपने जो घर की दीवार है ना उसके ऊपर बैठा बैठा यहाँ का आनंद लेता रहता हूँ, वरना जगह एक नंबर है। गाइस अभी मैं ना लो लाइट पे शूट कर रहा हूँ, लेकिन जो लो लाइट की क्वालिटी है ना इसकी काफ़ी बढ़िया है, और आगे का तो आप देख ही सकते हो। यार अपना घर, वापस चलते हैं घर पे, खाना खाएंगे। तो इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं जल्दी एक और इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। खैर पार्ट तो ये रहने देते हैं, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलो जय हिंद जय भारत, बाय बाय।